हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग शॉर्ट एनकैप्सुलेटेड पुल टेस्ट यानी ACPT के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ACPT, व्हाई ACPT इज़ डन, ACPT क्यों करते हैं। ACPT टू चेक द एफिकेसी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्ट कंज्यूमेबल्स लाइक रेजिन कैप्सूल्स, रूफ कंडीशन चेंजिंग इट्स बिहेवियर। सो ACPT इज़ डन। ACPT क्यों करता है, तब कोई रेजिन कैप्सूल्स जैसे सपोर्ट मटेरियल्स का कंज्यूमेबल्स कैप्सूल्स हो गया, कैप्सूल्स का जब न्यू कैप्सूल्स आता है तो उस कैप्सूल्स का एफिकेसी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कोई एक पैनल से दूसरा पैनल जब प्रोडक्शन या वर्किंग शिफ्ट हो जाता है, तब उस पैनल का जब स्टार्टअप बिहेवियर चेंज हो जाता है तो स्टार्टअप बिहेवियर को मॉनिटर करने के लिए, उसको चेकअप करने के लिए ACPT किया जाता है। तो मेनली रेजिन कैप्सूल का स्ट्रेंथ, स्टार्टा का बिहेवियर चेकिंग और जो रूप बोल्ट का करेक्टरिस्टिक जब चेंज होता है, इसीलिए ACPT का ज़रूरत पड़ता है, ACPT किया जाता है। व्हेन ACPT इज कैरियर आउट, कब किया जाता है। व्हेन न्यू बैचेस ऑफ रेजिन कैप्सूल्स इनकॉर्पोरेटेड, कोई माइंस में अगर डिफरेंट कंपनी का रेजिन कैप्सूल्स आया है, जो कैप्सूल्स चल रहा था वो ख़त्म हो गया, दूसरा बैच आया, तो उस न्यू बैच का टेस्टिंग के लिए ACPT का ज़रूरत है। व्हेन देयर इज ए चेंज इन रूफ स्टार्टा, अचानक कम करते करते कोई एक पैनल से दूसरे पैनल में अगर मिसल्स और वर्किंग शिफ्ट किया गया, तो उस स्टार्टा का बिहेवियर कैसा है, उस स्टार्टा को मॉनिटर करने के लिए, उसको चेक करने के लिए पिछले पैनल जैसे वर्किंग है कि उसका दूसरा टाइप का है, उसको टेस्टिंग के लिए ACPT का ज़रूरत पड़ता है। व्हेन देयर इज अ चेंज इन रूफ बोल्ट साइज क्वालिटी, रूफ बोल्ट का डायमीटर क्वालिटी साइज चेंज हो जाता है, तब उसको करेक्टरिस्टिक्स और टेस्टिंग के लिए ACPT का ज़रूरत पड़ता है। कोई अदर केसेस जहाँ पे स्टार्टअप कंट्रोल इंजीनियर हो या कोलियरी मैनेजर हो, जहाँ पे ज़रूरत समझता है, तो उस केसेस में शॉर्ट एनकैप्सुलेटेड पुल टेस्ट यानी ACPT का ऑर्डर देता है या करवाया जाता है ACPT। डिफरेंट प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप ACPT का प्रोसेस क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहला स्टेप्स है कि रूफ बोल्ट्स को कट किया जाता है एज पर रिक्वायर्ड लेंथ। हम लोग जब रूफ में ACPT करते हैं तो डिफरेंट लेयर और डिफरेंट हॉरिजन पे किया जाता है, तो किस हॉरिजन के लिए कितना लेंथ का रूफ बोल्ट चाहिए, उस हिसाब से हम लोगों को रूफ बोल्ट कटना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप है कि कट बोल्ट्स एट एग्जैक्ट लेंथ में रूफ बोल्ट को कट किया जाता है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। मेजर देन पुट अ टेप ऑन बोल्ट एट 300 mm मार्क। रूफ बोल्ट जो कट किया जाता है डिफरेंट हॉरिजन्स के लिए, तो उसका ऊपर से लेके 300 मीटर तक एक रूफ बोल्ट जो कट किया गया है, वो रूफ बोल्ट का टोटल लेंथ से ऊपर से लेके 300 मीटर तक हमको आइडेंटिफाई करना है और उसको टैपिंग करना है, क्योंकि यही हमारा बॉन्डिंग लेंथ है। ये 300 मीटर एक इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है, ये एज पर साइंटिफिक स्टडी हो या कोई एक विशेष स्टडी करके इसको फाइंड आउट किया गया है कि 300 मीटर का बॉन्ड लेंथ, बॉन्डिंग लेंथ इसको रखना है। एंश्योर सरफेस कंडीशंस, ये जो रूफ बोल्ट है, रूफ बोल्ट का बाहर में कोई अदर्स मटेरियल्स लगा ना हो, जैसे ग्रीस पेंट और डर्ट कोई मटेरियल्स ना हो, तो इसके लिए इसका सरफेस को पूरा क्लीन करना पड़ेगा। मेजर एंड रिकॉर्ड एवरेज डायमीटर ऑफ बोल्ट कोर एंड अक्रॉस द रिब्स। बोल्ट का जो कोर डायमीटर है और इसका जो ऊपर से रिब्स है, इसका ऊपर भी टोटल डायमीटर, तो दोनों डायमीटर का इसको मेजर करना पड़ेगा रूफ बोल्ट का। चेक द रेजिन कैप्सूल लेंथ एंड डायमीटर, रेजिन कैप्सूल्स जो आया है नया रेजिन कैप्सूल्स, उसका लेंथ और डायमीटर उसको भी चेक करना है और रिकॉर्ड करना है। उसके बाद क्या करना है, जिस ड्रिल रॉड से होल मारना है, वो ड्रिल रॉड को ऊपर से लेके 250 mm नीचे तक उसको आइडेंटिफाई करना है कि टोटल हमारा टोटल लेंथ को ड्रिल नहीं करना है। एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देने के लिए 250 mm, उससे कम जितना टोटल होल करना है उससे 250 mm कम एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया जाता है, और जहाँ पे ड्रॉपर यूज किया जाता है उस पर 40 mm कम एक जगह पे उसको आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया जाता है। यूजिंग बोल्टिंग मशीन एंड ड्रिल बिट्स एंड फ्लशिंग सिस्टम नॉर्मली यूज मस्ट बी ड्रिल एट सेम स्पिन एंड पेनिट्रेशन रेट।
कोई पैनल में जहाँ पे हम लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम्स जैसे एग्जिस्टिंग बोल्टिंग मशीन्स, ड्रिल रॉड्स, ड्रिल बिट्स और फ्लशिंग सिस्टम जो यूज़ करता है उसी को यूज़ करके ये जो होल हम लोग रूफ में मरेंगे उसी सिस्टम को यूज़ करके मरेंगे, दूसरा सिस्टम को दूसरा मशीन्स को यूज़ नहीं करेंगे, एग्जिस्टिंग सिस्टम द्वारा ही इसको होल रूप में होल करेंगे। रिकॉर्ड द बिट टाइप एंड डायमेंशन अक्रॉस टीप फॉर ईच टेस्ट। जो बिट यूज किया गया है उस बिट का डायमेंशन, का टाइप ये सब नोट करना है। ड्रिलिंग मशीन्स को उस जगह में प्लेस करना है, पोजीशन करना है जिस जगह में हमारा ज़रूरत है सीपीटी का, उस जगह में प्लेस करके ये होल रूप में मारा जाता है। अब के रूप में वर्टिकली जो रूप ड्रिल होल करता है वो एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस जो होता है एसओपी फॉलो करके ये होल किया जाता है स्टार्टअप। वंस द ड्रिलिंग ऑफ होल इज कंप्लीटेड फ्लश द होल विथ वाटर प्रेशर ऑफ 10 सेकंड्स एट रिक्वायर्ड डेप्थ। जो होल आप लोग किए हैं ड्रिल द्वारा तो उस होल को पहले वाटर देके फ्लश करना पड़ेगा, वाटर फ्लशिंग किया जाएगा क्योंकि उस भीतर में जो अगर कुछ ब्रोकन पार्ट्स कोल का कोई छोटा सा पार्ट्स भी रहे तो वो निकल जाता है वाटर फ्लशिंग द्वारा, तो मेनली होल को क्लियर करने के लिए वाटर फ्लशिंग का ज़रूरत है। अब बॉन्ड लेंथ 300 मीटर के लिए कितना लेंथ का हमारा कैप्सूल का लेंथ चाहिए उसके लिए कैप्सूल लेंथ डिटरमाइन किया जाता है। ये फार्मूला है कैप्सूल लेंथ डिटरमाइन करने के लिए, जो फार्मूला है होल डायमीटर स्क्वायर माइनस बॉल डायमीटर स्क्वायर इंटू बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई कैप्सूल डायमीटर स्क्वायर प्लस 15 mm। तो ये जो होल डायमीटर आप लोग पता है, बॉल डायमीटर भी मेजर किए हैं, बॉन्ड लेंथ जो ऑलरेडी बताया गया है कि एज पर स्टडी ये फिक्स किया गया है 300 mm, तो 300 mm हो गया आपका बॉन्ड लेंथ एंड कैप्सूल डायमीटर तो आपको मेजर करके पता चल जाएगा। तो इसी से हम लोग कैप्सूल का लेंथ मेजर कर सकते हैं, कितना लेंथ का कैप्सूल हमारा ज़रूरत है 300 मीटर बॉन्ड लेंथ को सीपीटी करने के लिए। प्रिपेयर कैप्सूल, जो टोटल कैप्सूल लंबा कैप्सूल रहता है, लंबा कैप्सूल 350 मीटर हो या 550 मीटर हो या 550 mm हो या 350 mm हो, तो उसी से आपको जो बॉन्ड जो आप देखे हैं इसमें कि कितना कैप्सूल लेंथ चाहिए, तो टोटल कैप्सूल से उस रिक्वायर्ड लेंथ आप काट लीजिएगा। कैसे काटते हैं, पहले नाइफ देके छुरी देके आप एक्स्ट्रा पोर्शंस को काट लीजिए और इसको टाई देके टोटल बांध दीजिए। टाई देके बांधना पड़ता है क्योंकि जो भीतर वाला रिक्वायर्ड साइज जो लेंथ है उससे मेरा रेजिन कैप्सूल्स बाहर ना आए, उसी का अंदर रहे, तो इसीलिए इसको टाई देके बांधना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जो पोर्शन है उसको कट के अलग करना पड़ेगा। अब जो कैप्सूल तैयार हो गया सरप्लस कैप्सूल को फेंकने के बाद, जो ओरिजिनल कैप्सूल रिक्वायर्ड कैप्सूल लेंथ जो हमारा तैयार हो गया उसको होल में इंसर्ट करना पड़ेगा, घुसाना पड़ेगा। कैप्सूल घुसाने के बाद जो बोल्ट ऑलरेडी कट के रेडी करके रखे हैं हम लोग एक पर्टिकुलर होरिजन के लिए, पहले उसमें घुसाया जाता है कैप्सूल, उसके बाद घुसाया जाता है रूफ बोल्ट। जो पर्टिकुलर एक होरिजन के लिए किस लेंथ का हम रूफ बोल्ट यूज़ करेंगे उस रूफ बोल्ट को इसमें घुसाना पड़ेगा। इंसर्ट कैप्सूल इंसर्ट हो गया, रूफ बोल्ट इंसर्ट हो गया, उसके बाद स्पिनिंग एंड थ्रस्ट प्रोसेस, स्पिन एंड थ्रस्ट अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें वो भीतर का कैप्सूल जो है वो मिक्सिंग हो जाता है। मिक्सिंग का टाइम रिकमेंड किया जाता है एज पर सप्लायर, रेजिन सप्लायर जो हो वो आपका ये रिकमेंडेड करता है कितना टाइम इसको मिक्सिंग के लिए दिया जाएगा। नॉर्मली ये 5 सेकेंड्स यूज दिया जाता है मिक्सिंग के लिए, जो भीतर में कैप्सूल्स आप लोग डाले हैं उसको मिक्सिंग के लिए आपको 5 सेकेंड्स का टाइम का ज़रूरत पड़ता है। होल फॉर 20 to 30 seconds बिफोर लोअरिंग मशीन्स, ये मिक्सिंग करने का टाइम है 20 to 30 seconds वेट करना पड़ेगा आपको मशीन्स जो ड्रिल रॉड है उसको या जो मैकेनिज्म है मशीन से उसको लोअर करने का पहले 20 to 30 seconds आपको वेट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बोल्ट्स जब आपको जैम हो जाता है टाइट हो जाता है उसके बाद आप 1 to 2 hours आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद उसी बीच उसके बाद आपको असेंबल पुल टेस्ट जैक, पुल टेस्ट करने के लिए जो मशीन्स है उसका जैक, बियरिंग प्लेट्स और अदर्स जो प्रोसेस है उसका जो पार्ट्स है उसको असेंबल करने पड़ेगा। आपको लोड बोल्ट का जो लोड एक्सियल लोड है उसको टेस्ट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए टोटल आपको
सेटअप करना पड़ेगा, और जो बोल्ट ऑलरेडी इंस्टॉल किया गया है वो बोल्ट का साथ बाकी सारे आपको होस, गॉज, पंप, ये सब टोटल सेटअप के बाद एक होस जाता है, और टोटल सेटअप बोल्ट का साथ अटैच करने के बाद आप जो पंप है, पंपिंग और हाइड्रोलिक पंप, एक पंप रहता है उसमें हैंड बाई हैंड पंप द्वारा इसको प्रेशर दिया जाता है। अटैच होस, गॉज एंड पंप, लोकेट डायल गॉज इन पूल वर एडेंटेशन। जो डायल गॉज है, रीडिंग जो दिखाता है वो डायल गॉज पूल वर एडेंटेशन के साथ अटैच हो जाता है। फुट ऑफ मोनोपॉड टू बी लोकेटेड ऑन फर्म सरफेस। मोनोपॉड का जो फुट है वो फ्लैट सरफेस और फर्म सरफेस में उसको रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। अब गए इंश्योर एक्सिस ऑफ बोल्ट डायल गॉज रैम मोनोपॉड इन लाइन। मोनोपॉड, रैम, डायल गॉज और बोल्ट का जो लाइन है वो सेम लाइन में होना चाहिए, इंश्योर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर रीडिंग में आपको दिक्कत आ जाएगा, दूसरा रीडिंग दे देगा। रिकॉर्ड इनिशियल रीडिंग ऑफ डायल गॉज। डायल गॉज जो सर्कुलर टाइप का डायल गॉज रहता है उसका इनिशियल रीडिंग क्या है पहले आप नोट करके रख लीजिए। उसके बाद स्लोली ऑफ कंटिन्यूस प्रेशर, हैंड पंप से कंटिन्यूस प्रेशर अप्लाई कीजिए और उसका ऊपर लोड चेक करते रहिए। अब उसका डिस्प्लेसमेंट रिकॉर्ड कीजिए, हर एक 10 किलोन्यूटन के पास, ये 10 किलोन्यूटन यानी एक टन लोड देने के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका रिकॉर्ड कीजिए। स्टॉप अप्लाइंग लोड, मैक्सिमम लोड ऑफ 150 किलोन्यूटन से ज़्यादा नहीं दीजिएगा जब 20 mm डायमीटर का बोल्ट हो तो। 20 mm डायमीटर का बोल्ट के लिए, 20 mm डायमीटर बोल्ट के लिए आप 150 किलोन्यूटन मैक्सिमम, और 22 mm डायमीटर के लिए 200 किलोन्यूटन मैक्सिमम लोड देना चाहिए। नहीं तो उससे ज़्यादा लोड दीजिएगा तो आपका जो पंपिंग मशीन से, जो एसीपीटी करने का मशीन से, उसका हाइड्रोलिक होस फट जा सकता है, उसको बस्ट हो जा सकता है। तो बस्ट होने का कारण उससे ज़्यादा लोड नहीं दिया जाता है। आफ्टर वन स्वीप डायल गॉज पर 10 किलो न्यूटन। रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ साइट लोकेशन, कहाँ पे आप टेस्ट की एसीपीटी की है उसका साइट लोकेशन, डेट, टाइम, इंस्टॉलेशन, लोड डिस्प्लेसमेंट, ये सब डेटा आप एक सीट में टोटल एंट्री कर लीजिए, कहाँ पे किए है, किस जगह में, किस डेट में, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका। टेस्टिंग के बाद उस साइट को पूरा क्लियर कर दीजिए, जो वेस्ट मटेरियल अप्लाई है और जो मटेरियल सप्लाई है उसको टोटल टेस्टिंग के लिए अपना प्लेस में उसको रख लीजिए। उसके बाद रीडिंग देख के डिसाइड कीजिए कि ये पास हुआ कि फेल हुआ। रिजल्ट देखने के बाद कैसे एसीपीटी किया जाता है, एक छोटा सा पिक्चर में आप लोग समझ जाइएगा। ये है आपका बॉन्डिंग लेंथ, जो ऊपर में 300 mm ऑलरेडी आप लोग को दिखाया गया है कि 300 mm बॉन्ड लेंथ ऊपर में रखा जाता है। ये है बोल्ट, इसमें जाता है, ये है नाट आपका। टोटल जो अरेंजमेंट है इसमें आपको हाइड्रोलिक जो पंपिंग मशीन से वहाँ से एक होस जाता है, और होस को बाकी सारे प्लेट के साथ अरेंजमेंट करके बोल्ट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जुड़ाया जाता है। उसके बाद पंपिंग दे के, हाइड्रोलिक पंपिंग दे के उसको ऊपर लोड दिया जाता है, कितना लोड वो ले पा रहा है। एसीपीटी का रिजल्ट जो डायल गॉज पे रिजल्ट आपको दिखता है, तो कोई एक पर्टिकुलर कोई एक होरिजन में कोई एक लेयर में अगर तीन टेस्ट किया जाएगा, तीन टेस्ट में से अगर दो टेस्ट पास हो गया तो इसका मतलब उस होरिजन में वो टेस्ट पास है। ऐसा ही टेस्ट आपको डिफरेंट ओरिजिन में, डिफरेंट लेयर्स में अगर कीजिएगा, तो जितना सारे ओरिजिन में ये टेस्ट कीजिएगा उसका 50% से ज़्यादा अगर पास हो गया तब टोटल एसीपीटी टेस्ट को आप पास बोल सकता है, नहीं तो वो एसीपीटी फेल हो जाता है। यानी कोई एक पर्टिकुलर ओरिजिन में तीन टेस्ट करने के बाद अगर दो टेस्ट सफल हो जाता है तो वो सफल है, पास है, अगर दो टेस्ट फेल हो जाते तो फेल है। डिफरेंट लेयर्स के लिए क्या होता है, 50% से ज़्यादा लेयर्स अगर पास हो जाता है तो वो एसीपीटी पास है। स्ट्रेंथ का बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर मोर देन 130 किलो न्यूटन हो जाता है सीआर टेस्ट करने के बाद, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर 130 किलो न्यूटन से ज़्यादा होता है तो अभी पास होता है। अगर बॉन्ड स्टिफनेस मोर देन 20 किलो न्यूटन पर mm होता है तभी ये पास होता है, अदरवाइज एसीपीटी रिजल्ट जो दिखाता है उसको फेल माना जाता है, वो पास नहीं करता है। Please subscribe this channel for more such new videos. Thank you for watching this.